छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के 3.5 साल के उपलब्धियों को गिनाया। स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया जनप्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी से लेकर खास आदमी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना को केंद्र सरकार समेत विभिन्न प्रदेशों के सरकार अपनाने के लिए आतुर है। कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आकर यहां अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान झारखंड जैसे प्रांत हमारी योजना को हूबहू क्रियान्वयन करने जा रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से प्रतिनिधि को आज हुए राशि हस्तांतरण की जानकारी दी। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3.55 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 71.8 करोड़ रुपए राशि का अंतरण किया गया है। जितने समूहों के माध्यम से सरकार उसको सरकार ने जगह जगह सी मार्ट भी खोलते जा रही है। उत्पादक सी मार्ट से भी उनके समूहों के माध्यम से सी मार्ट का भी संचालन होगा और समर्थन मूल्य भी उनके निर्धारित किए गए हैं, चाहे मक्का हो, कोदो, कुटकी, राखी हो। वृक्षारोपण भी अगर कोई करता है तो उसे 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ वृक्षा, क्योंकि कोई भी प्लांटेशन करेगा तो 3 साल के अंदर वह वृक्ष तैयार हो जाता है उसके आय के लिए, तो उन्होंने 10,000 प्रति एकड़ वह भी राशि उन्होंने प्रोविजन में रखी हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।